नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप लेडीज स्वेटर में, चाहे जेंट्स स्वेटर में डालिए, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने 14 फंदे डाले हुए हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये पहला लाइन है, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुन लें या उतार लें। फिर 3 फंदा उल्टा बुनें, 1 2 3। फिर उन दूसरी ओर करें और दो फंदों के बाद ये दूसरा फंदा है और ये तीसरा फंदा है, तो हमें इन दोनों के बीच में ऐसे सिलाई डालना है। ये मैंने किसी फंदे में नहीं डाला है, बल्कि इनके बीच में डाला है। दोनों फंदों के बीच में जो स्पेस है उसमें डाला है। तो दोनों फंदों के बीच में सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे। लूप निकालने के बाद अब इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा उल्टा बुनना है, 2 फंदे के बाद एक लूप निकालना है और फिर अब इन दोनों फंदों को जिसके बाद लूप निकाला गया है उसे हम सीधा बुन लेंगे। और 3 फंदे बचे हैं, तो 2 फंदे उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। अब ये जो लूप है, लूप को और ये 3 बुने हुए उल्टे फंदों में से तीसरे फंदे को एक साथ ऐसे लेंगे और फिर इन्हें उल्टा बुना लेंगे। तो 3 फंदे में से 1 फंदा इधर आ गया, अब बचे 4 फंदे, तो उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। फिर ये लूप आ गया, तो लूप को और अगले फंदे के साथ दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे और शेष सभी फंदे उल्टे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे। ये देखिए, जो हमने अभी लूप बुना था, तो लूप के बाद वाले स्पेस में ऐसे सिलाई डालेंगे। लूप और उसके लूप बुना था, तो ये फंदा और उसके आगे वाले फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे। ये पिछले फंदे में हमने लूप को इस फंदे के साथ बुना था, तो अब की हम लूप यहाँ से, यानी जिस फंदे के साथ लूप बुना गया था, उसके बाद सिलाई डालेंगे। पिछली सिलाई में हमने इन दोनों फंदे के बाद लूप निकाला था और इस लाइन में डिज़ाइन 2 फंदा आगे चला गया है। पिछली लाइन में हमने 3 फंदा उल्टा बुना था और इस लाइन में हमारे पास सिर्फ 1 फंदा उल्टा बचा है। तो डिज़ाइन हर सीधी लाइन में 2 फंदा आगे चला जाएगा। तो 2 फंदे के बाद देखिए, ये जो लूप बना है उसके बाद वाले स्पेस में हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को जिनके बाद ये लूप निकाला गया है उन्हें सीधा बुन लेंगे। और नेक्स्ट 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। देखिए, पिछली लाइन में हमने इस फंदे के साथ लूप बना, इस फंदे के साथ ये लूप बुना है, तो अब इस लाइन में इस फंदे के और इसके नेक्स्ट फंदे के बीच वाले स्पेस में हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे। फिर दोनों फंदे सीधे और नेक्स्ट 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर उन दूसरी ओर करेंगे।
अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो या तो हम सीधा बुन ले या फिर इसमें से लूप निकाल के और तब सीधा बुने। रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदे उल्टे बुनने हैं और लूप और उसके नेक्स्ट वाला फंदा एक साथ लेके तब उल्टा बुनना है। तो फोर्थ रो और रॉन्ग साइड पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे और अब ये लूप है तो लूप को और उसके आगे वाले फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। फिर चार फंदा बुनने के बाद ये लूप आ गया तो लूप को और उसके नेक्स्ट फंदे को हम एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर चार फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार। फिर लूप आ गया तो लूप को और नेक्स्ट फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे और लास्ट फंदा उल्टा। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, अब देखिए ये एच स्टिच है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे और ये लूप वाला फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, ये लूप वाला फंदा है तो इन दो दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे। फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, देखिए ये लूप वाला फंदा है तो लूप वाले फंदे के बाद हम सिलाई डालेंगे। ये देखिए दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में, लूप वाले फंदे के बीच में जो स्पेस है उसमें हमने सिलाई डाला है और एक लूप निकाल लेंगे। फिर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से ये सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे, लूप को और नेक्स्ट फंदे को एक साथ लेके तब उल्टा बुनेंगे। फिर चार फंदे उल्टा बुनेंगे, लूप को और नेक्स्ट फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिज़ाइन से तीछे में आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत